हेलो फ्रेंड्स, आई एम मोमिता एंड वेलकम टू माय गार्डन एंड वेलकम टू माय चैनल। वीडियो की शुरुआत ब्यूटीफुल डबल टगर फ्लावर्स के साथ, जो मेरे टेरेस में बहुत अच्छी तरह खिल रहा है। बट आज के वीडियो के टॉपिक है ब्यूटीफुल रेन लिली। ये जो आप देख पा रहे हैं कितने अच्छा फ्लावर्स खिला है रेन लिली का, बहुत ही सुंदर है। एंड मानसून में जब रेन गिरती है, जब बारिश होता है, तब रेन लिली में ब्लूमिंग होता है, इसलिए इसका नाम रेन लिली है। तो मेरे पास 3 कलर्स है, वाइट, येलो एंड पिंक। बट पिंक वाला में ज़्यादा फ्लावर्स खिलता है एंड वाइट एंड येलो में थोड़ा कम खिलता है इसमें पिंक के कंपेयर में। और ये जो पॉट है, इसमें रेन लिली के साथ एक और दूसरा प्लांट्स भी लगा हुआ है। बल्ब से इजीली ये प्लांट ग्रो हो जाता है। फ्लावर्स ख़त्म होने के बाद इसमें सीड्स भी बनता है, ब्लैक कलर का सीड्स होता है। जब सीड्स बनने लगती है तब स्टिक नीचे से कट कर दीजिए, वही अच्छा है, नहीं तो प्लांट्स पूरा एनर्जी उसमें ही लगा देगा। नर्सरी में इजीली इसके बल्ब्स अवेलेबल हैं। येलो, वाइट, पिंक तो कॉमन वैरायटी है, लगभग सभी के घर में ही है जो गार्डनिंग करते हैं। बट अभी तो बहुत हाइब्रिड भी मार्केट में अवेलेबल है, बहुत हाइब्रिड कलर, मल्टीपल कलर में भी इसका फ्लावर्स आने लगे हैं। तो फेब्रुअरी मार्च में आप इसके बल्ब्स को ग्रो कर सकते हैं, आइडियल टाइम है। ऐसे तो इसको इसके बल्ब्स आप पूरा साल ही लगा सकते हैं, बट फेब्रुअरी मार्च अच्छा टाइम है, रेनी सीजन में फ्लावरिंग होता है। बट प्लांट परमानेंट है, पूरा साल आपके पास ये प्लांट रहेगा। जब बल्ब आप ग्रो करेंगे, लगाएंगे, तब अच्छी तरह सॉयल प्रिपेयर कर लीजिए। गार्डन सॉयल, सैंड एंड एनी कॉम्पोस्ट जो आपके पास है, अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए और उसमें बल्ब ग्रो करिए। और जब आप बल्ब ले आएंगे मार्केट से, तब मैच्योर बल्ब ले आइएगा। उससे क्या होगा, जल्दी आपके प्लांट्स में ब्लूमिंग आएगा, नहीं तो थोड़ा टाइम लेगा, बल्ब मैच्योर होगा, उसके एक साल डेढ़ साल बाद उसमें फ्लावरिंग होगा। तो ये प्लांट ग्रो करने के लिए ज़्यादा कुछ केयर की तो ज़रूरत नहीं है, मैं तो कुछ केयर नहीं करती हूँ, ऐसे ही लगा पड़ा रहता है पॉट्स में। जब अदर प्लांट्स में मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ, तब इसमें याद आए तो इसमें डाल देती हूँ। ऐसा नहीं है हर बार डालती हूँ, जब याद आए तब इसमें भी थोड़ा थोड़ा लिक्विड फर्टिलाइज़र में डालती हूँ। और लिक्विड फर्टिलाइज़र में किचन वेस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र हो या मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र, दोनों ही प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छे हैं, सभी प्लांट्स के लिए अच्छा है। और ऐसे जगह इसको ग्रो करिए जहाँ पे सनलाइट अच्छी तरह मिले। तो सनलाइट अच्छी तरह जितना मिलेगा, उतने ही अच्छी तरह प्लांट्स में ब्लूमिंग होगा। सब ज़्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स का यही रूल है, अच्छी तरह सनलाइट मिलना चाहिए। तो यही बस ख्याल रखती हूँ मैं, सनलाइट अच्छी तरह मिले। और मानसून के पहले मैं इसमें हर बार एक ही काम करती हूँ, जो इसमें वीड्स होता है उसको निकाल के फेंक देती हूँ, जो येलो लीफ से उसको तोड़ देती हूँ, खराब लीफ से उसको फेंक देती हूँ और एकदम पॉट्स साफ सुथरा कर देती हूँ। और इसका लीव्स इतना भर जाता है तो गुड़ाई करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं रेन लिली में लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐड करना ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। और लिक्विड फर्टिलाइज़र से इसका काम चल जाता है, ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं है। अब इसमें फर्टिलाइज़र ना भी डाले तब भी ये ब्लूमिंग करेगा, ज़्यादा कुछ केयर करने की इसको ज़रूरत ही नहीं है। बारिश शुरू होने के बाद कोई फर्टिलाइज़र मत दीजिए, जो देना है जब धूप निकलेगा तब भी दे दीजिए, और बारिश शुरू हो जाने के बाद कोई फर्टिलाइज़र इसमें ऐड मत कीजिए। और ये प्लांट का जो लीव्स है देखिए, बहुत ही सुंदर है, सारा पूरा साल फ्लावरिंग ना भी हो बट इसका लीव्स इतना ग्रीन लीव्स रहेगा तो वो भी दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए बहुत ही प्यारा बड़ा बड़ा लीव्स इसमें आता है। और जो लोगों को गार्डनिंग पसंद है बट
उतना टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि आजकल बहुत सब लोग काम में ज़्यादा बिजी होते हैं, उतना टाइम नहीं मिलता है, तो ये प्लांट आप जरूर ग्रो कीजिए। एकदम बिना केयर वाले ये प्लांट है, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है ये प्लांट ग्रो करने के लिए, और मैच्योर बल्ब होगा तो अपने फ्लावरिंग पे आ ही जाएगा, तो आप इजीली ये प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, पूरा साल आपके पास रहता है और बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट है, आपके बगीचा को एक कलर ऐड करेगा ये प्लांट, तो आप ये प्लांट को जरूर ग्रो कर सकते हैं अगर आपको इजी गार्डनिंग पसंद है तो। ओके फ्रेंड्स, बाय, प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड कमेंट भी जरूर करना, एंड न्यू व्यूअर से तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर ऑफ योर प्लांट्स एंड पेट्स। ओके बाय।